ग्वालियर पुलिस ने बीते दिन रिटायर्ड इंजीनियर के साथ हुई लूट की वारदात को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटे हुए कैश, बाइक और गहने बरामद किए। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से सघन पूछताछ में जुटी है। तो आपको बता दें कि ग्वालियर के पॉश इलाके सिटी सेंटर में दिन दहाड़े बिजली कंपनी के रिटायर्ड इंजीनियर और उनकी पत्नी से बीच सड़क पर गहने और रुपए से भरा बैग लूट लिया गया था। दोपहर तो करीब 3 बजे बाइक से आए दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर दंपत्ति के हाथ से बैग लूट कर भाग निकले थे। इस मामले में पुलिस ने बदमाश के बाइक के नंबर से आरोपी तक पहुंची। एसएसपी अमित सांघी ने लूट का पूरा खुलासा करते हुए बताया कि पिंटू पार्क इलाके में रहने वाले दो युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को महिला ग्राउंड के पास से दबोच लिया है, जिसके पास से पुलिस ने लूट के गहने और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किए। लूट का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है। दो दिन पूर्व विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त सीनियर इंजीनियर अपने धर्मपत्नी के साथ एक बैग में 2 लाख रुपए से थोड़ा ज़्यादा और जेवरात लेके अपने घर से बैंक जा रहे थे। ये लगभग 3 सवा 3 बजे की बात होगी। तभी बाइक सवार दो आरोपियों ने, जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, इनकी पत्नी से वो बैग छीना और इस छीनने के अनुक्रम में वो जो उनकी श्रीमती थी वो गिर गई, उनको चोट भी आई और इसके बाद ये इनका बैग लूट कर चले गए, जिस पर थाना विश्वविद्यालय में लूट का प्रकरण दर्ज किया गया।